हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं अल्ट्रॉन और हेला के बारे में कि अगर इन दोनों में से फाइट होती है तो दोनों में से कौन जीतेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग इधर उधर की बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट फाइट पे आते हैं, क्योंकि अल्ट्रॉन और हेला के बारे में आप तो जानते ही हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इन दोनों के पावर्स क्या है, क्योंकि बिना पावर्स जाने इन दोनों के बीच फाइट नहीं हो सकती। तो चलिए सबसे पहले इनके पावर्स जान लेते हैं। तो हेला के पावर्स की बात करें तो हेला के पास इल्यूजन का पावर्स है, यानी वह भ्रम पैदा कर सकती है। हेला के पास लाइफ एंड डेथ का भी पावर्स है, यानी कि वह मरे हुए को भी जिंदा कर सकती है। हेला के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी भी है। वह एनर्जी ब्लास्ट भी कर सकती है और उसके पास टेलीपोर्टेशन का भी पावर्स है। और हेला की मेन पावर्स की बात करें तो अपने शरीर से किसी भी प्रकार के हथियार निकाल सकती है। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि अल्ट्रॉन के पास क्या क्या पावर्स है। तो अल्ट्रॉन के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी है, वह उड़ भी सकता है और वह एनर्जी ब्लास्ट भी कर सकता है, और साथ ही साथ वह माइंड को भी कंट्रोल कर सकता है। ये तो हो गए उनके पावर्स। तो चलिए इस फाइट को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर अल्ट्रॉन हेला पे अटैक करता है तो हेला को उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हेला अल्ट्रॉन पे अटैक करती है तो वह चाहे तो एक ही बार में अल्ट्रॉन को मार सकती है, क्योंकि आपने एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी देखा होगा कि आयरन मैन एक ही बार में अल्ट्रॉन को बम से उड़ा देता है। लेकिन वह भले उस समय मर जाता है, लेकिन वह किसी और बॉडी में चला जाता है। लेकिन हेला अल्ट्रॉन को उस समय तो मार सकती है, लेकिन वह किसी और बॉडी में शिफ्ट हो जाएगा। और दोनों के एनर्जी की बात करें तो दोनों में एनर्जी भी काफी है, जिससे यह फाइट बहुत लंबी तक खींच सकती है। अगर यह फाइट हैंड टू हैंड कॉम्बैट होती है तो अल्ट्रॉन को चार तरह के फाइटिंग स्किल्स आते हैं और हेला को तीन तरह के फाइटिंग स्किल्स आते हैं। लेकिन फिर भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी अल्ट्रॉन हेला को नहीं हरा सकता, क्योंकि हेला की बॉडी पे उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इंटेलिजेंस की बात करें तो हेला से ज्यादा इंटेलिजेंट अल्ट्रॉन है, लेकिन स्पीड के मामले में अल्ट्रॉन से ज्यादा फास्ट हेला है। अगर इन दोनों में से फाइट होती है तो हेला के जीतने के चांस ज्यादा है, लेकिन हेला अल्ट्रॉन को पूरी तरह से मार नहीं सकती, क्योंकि अल्ट्रॉन अपना बॉडी भी चेंज करते रहता है। अगर वह उस बॉडी को मार भी देती है तो वह किसी और बॉडी में शिफ्ट हो जाएगा। अगर इन दोनों की फाइट की बात करें तो हेला तो अल्ट्रॉन को बार बार मार सकती है, लेकिन वह हर बार किसी और बॉडी में शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से यह फाइट बहुत लंबी तक चलेगी और हेला उसे पूरी तरह से मार भी नहीं पाएगी। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करें, और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।